ये हमने अभी टोटली नहीं कर दिया। हालांकि इसका और भी तरीका है जिसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में ना सर हम लोग ग्राफ के लिए टेम्पलेट टेम्पलेट सेव कर लेते हैं, इसका भी कोई टेम्पलेट वगैरह हाँ, होता है क्या सब सेव पता का? है, सब पता है। इसमें जरूरत ही नहीं है। देखिए ऑब्वियस यहाँ पे अच्छा जरूरत आपको लग गया लगा लग रहा है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अच्छा इस अच्छा पे हमें टाइटल देना है मान लीजिए, तो हम यहाँ इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स डैश बोर्ड 2022। ठीक है, इसकी इस पूरे को सेलेक्ट करके इसकी साइज यहाँ से हम बढ़ा देंगे और ज़्यादा हो गया और इसको बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं और इसको ईजिली हम यहाँ से उठा के ऊपर में मूव करते हैं और इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बटन, यहाँ पे बटन्स है, बटन्स के अलावा सैप्स है, सैप से ले सकते हैं। तो एक लाइन है, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट भी मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको एक्सेल पे बनाने में आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है और यहाँ हम देखिए कैसे ईजी हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चूज करता हूँ अपना ए वाला रिपोर्ट और इसमें मैं देता हूँ नेम और देता हूँ टोटल सेल्स। थोड़ा सा माउस में वर्क सही से नहीं कर रहा है। ये हुई आपकी मंथ वाइज है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे सिटी लेते हैं। अब सिटी यहाँ पे हम लेंगे, उससे पहले हमें विजुलाइजेशन चूज करना होगा। तो सिटी में भी मैं सेम जो है ये चीज़ दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको रख रहा हूँ और इसमें मैं इस बार सिटी यहाँ रखता हूँ उठा के और यहाँ पे रखता हूँ अपना टोटल सेम। ठीक है सर। उसके बाद अगेन मुझे जोन वाइज सेल चाहिए, तो हम जोन वाइज सेल्स लेंगे, लेकिन हम लेते हैं इसको पाई, इसको क्योंकि मुझे जोन की शेयरिंग चाहिए इसलिए मैंने पाई चार्ट लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जोन डाल दिया हुआ है और यहाँ पे मैं टोटल सेल डाल दिया। ठीक है, अब एक लाइन और ऐड करनी है आपको, कि हाँ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में सैप्स लाइन और हमें इसको थोड़ा छोटा करना है इस तरह से और ऊपर राइट। अब यहाँ पे हम जो है एक मैप चार्ट लेते हैं, फिल्म मैप चार्ट, इसमें हम सिटी को रखते हैं और इसमें हम रखते हैं अपना टोटल जोन। ठीक है, और इसके बाद फिर वापस हम यहाँ पे जून के यहाँ पे मैं एक बार लेता हूँ अपना इसमें हम टोटल सेल्स का यहाँ पे अपना रखते हैं। इसमें भी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है टोटल। ठीक है सर, तो टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इसमें मुझे इसके अंदर जो हमें कमीशन मिल रहा है ना, ठीक है सर, तो सिटी वाइज हमें कमीशन का एरिया चाहिए होगा और यहाँ भी सिटी वाइज हम कमीशन का एरिया
फिर लेते हैं सिटी वाइज और यहाँ है कंडीशन, ठीक है। अब इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो डेटा कलर डेटा लेवल, डेटा लेवल पे क्लिक करते हैं तो सबका डेटा लेवल यहाँ शो हो जाता है कि टोटल कितना ओवरऑल सेल हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसके भी आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे मैप डेटा कलर, तो कलर में मैं एक काम करता हूँ कि ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है सिटी वाइज है, किस सिटी का क्या क्या कलर होगा अलग अलग है, टाइटल बैकग्राउंड बॉर्डर शैडो मैप स्टाइल। हाँ इसमें फिगर नहीं आता है, मैप कंट्रोल में ऑटो जूम होगा, जूम होगा। अब अभी इस मैप को सेलेक्ट करते हैं तो ये मैप कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका मैप होता है, मैप होता है या आपका फिल्म मैप होता है, दोनों में अंतर होता है, आप देख सकते हैं। इसकी भी फॉर्मेटिंग होती है अपने हिसाब से, कैटेगरी देना है तो ये आपका दिल्ली कानपुर जहाँ जहाँ वो कैटेगरी भी आ जाएगा, और कैटेगरी का कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होना, ये चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मेरा रिपोर्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, बन के मेरा रेडी हो चुका है, जिसमें मैं मंत्री अपने सेल्स को देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्स में ये फिगर बहुत बड़ा है तो मैं वैल्यूज में आता हूँ, आउटलाइन यूआरएल बैक से फोन फैमिली और यहाँ पे अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं होता है, चार्ट में ऑप्शन होता है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चार्ट में आपके जो लेवल्स है ना उसको अपने हिसाब से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये रहा अलग अलग है लेकिन इसको अलग अलग करना पड़ेगा कि डिस्प्ले तो नन हो गया, मतलब 1000 कर दिया या मिलियन कर दीजिए यहाँ पे मिलियन जैन का, फिर यहाँ से आप फैब सेलेक्ट करें इसको मिलियन कर दें, 1000 है तो मिलियन में, फिर यहाँ पे मैं मार्स सेलेक्ट करूँगा, मार्स का भी मैं इस तरह से मिलियन में कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ भी इसको मैं मिलियन में कर देता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ मई, तो यहाँ भी आप इसको मिलियन में कर देते हैं, यहाँ पे मैं जून इसको भी मिलियन कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अगर यहाँ पर जुलाई, तो इस तरह से एक एक करके करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेप्टेम्बर मिलियन, अक्टूबर। अब देखिए ये जो रिपोर्ट मैंने अभी बना दिया सर, बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा ना सर, बट इसी चीज को एक्सेल पे आप जब बनाने जाएंगे तब क्या होगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना सर, क्या बिल्कुल लगेगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम तो डेसिमल प्लेसेस भी देंगे उसी हिसाब से आएगा, अक्टूबर 1000 सेलेक्ट है इसको मिलियन कर दीजिए और डेसिमल प्लेसेस 2 कर दीजिए, ठीक है।
इस तरह से चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब रिपोर्ट बन गई, अब इसको एक बार हमें क्या करना होगा, अब इसको पब्लिश करना होगा। पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश कीजिएगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा, तो आपसे पावरे के नाम पूछेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स 2022, ठीक है, और सेव। अब सेव करने के बाद जो है आपको ये पूछता है कहाँ जाना है, तो माय वर्कबुक में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने गॉट इट कर दिया, ठीक है। अब मैं पावर बीआई का वेब कंसोल खोलता हूँ, जो कि मैंने बताया था कि वेब कंसोल होता है लास्ट क्लास में। तो powerbi.com पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अब साइन इन पे आपका आपका साइन इन का अकाउंट और लॉगिन आईडी डाल दिया, लेकिन बार बार डालने की जरूरत नहीं होता, अगर आपने सेव कर दिया हुआ है तो, ठीक है, ये सेव हो गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट में सेल्स 21 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आपको माय वर्क प्लेस पे जाना होगा। तो मैंने सेव किया था कहाँ किया था, माय वर्क प्लेस पे किया था, माय वर्क प्लेस, इसमें सेल्स 22 आ गया ना। और ये देखिए आपका 7/19/2020 का दिख रहा है। अब इसमें दो चीज दो दिख रहा है, मैंने एक ही किया, दो क्यों आया। तो अब यहाँ पे सैंपल को देखिए, ये डेटा सेट है और ये आपका रिपोर्ट्स है, विजुलाइजेशन, ओके। तो डेटा सेट को जो चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो ताकि आपका डेटा आ जाए। इस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा टेबल खुल के चला, ठीक है। बट जो मैप होता है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे जो होता है दिक्कत होती है, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी आई रिक्वेस्ट आई डी करेक्शन टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत है, ये जहाँ से ले रखा है ना मैप वाला, इस कारण से मैप चार्ट थोड़ा सा नहीं आता। तो मैं वेब अगर कंसोल पे देखना है तो मैप चार्ट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो मान लो सर किसी को वेब नहीं देना, ऐसे ही अगर नॉर्मल किसी का पावर बीआई का टूल नहीं है और मैंने ये ग्राफ बना लिया तो मैं उसको कैसे शेयर करूंगा। मैं बता रहा हूँ इस रिपोर्ट को किसी को भेजना है तो मेरे पास क्या तरीके है। पहला तरीका है कि आप इसको इसको जो है पीडीएफ में सेव कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट दिखा होगा, इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ, पावर पॉइंट या एनालाइज एक्सेल। लेकिन एनालाइज एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा जैसे एक्सेल पे होता है उस तरह से हो जाए, सो नहीं होगा सर, थोड़ा सा लिमिटेड आएगा। यहाँ देखिए पिवट टेबल लगा के आपको दे देगा, बाकी डिटेल्स आपको खुद करनी है, मतलब ऐसा नहीं कुछ चार्ट बना के आपको दे देगा, समझ गया है। इसे भी आपको यहाँ पे साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम करते हैं क्लोज, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसको पीपीटी में करेंगे तो पीपीटी में आपका डाउनलोड हो जाता है। अगर इसको हम पीपीटी में करते हैं एक्सपोर्ट, पावर पॉइंट, एम्बेड इमेज या लाइव डेटा, तो लाइव डेटा तो करते हैं और यहाँ पे ओपन इन पावर, यहाँ पे लिंक भी दे रहा है, आप यहाँ लिंक से भी ओपन कर सकते हैं और ओपन इन कर सकते हैं यहाँ पे, या लिंक देखिए, लिंक के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ट्रस्टेड एडमिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लोग देखा है आपको सर, बट यहाँ भी आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आईडी यहाँ भी आपको चाहिए पहले से, समझ गए सर। लेकिन आपने जो बोला कि भाई किसी को भेजना है तो उस केस में आपको यहाँ पे दो चीजें शेयर, अब उसके पास पावर आईडी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने टीम के साथ चैट कर सकते हैं, जो भी आपकी टीम है उन टीम के साथ आप चैटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फाइल के अंदर जब मैं आता हूँ तो फाइल के अंदर मेरे पास सेव कॉपी हो गया, डाउनलोड फाइल हो गया, मैनेज परमिशंस होते हैं कि आप ये रिपोर्ट के परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।
हाँ इसमें आता है पब्लिश ऑन द वेब। पब्लिश ऑन द वेब का मतलब हुआ कि आप इसको क्रिएट एम्बेड कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। अब इस यूआरएल से क्या है आपको, अब इस यूआरएल से कोई भी बिना पावर बीआई की आईडी के इसको देख सकता है। अच्छा अब मान लीजिए अभी कोई साइट है, जैसे मान लीजिए मैं ब्लॉगर ही बोलता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई ब्लॉगर ब्लॉग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसी को देख लीजिए। मैं एक अपने एक ब्लॉग पे आता हूँ, फिर वहाँ से एक सब्जेक्ट, ठीक है, और इसको ओपन करता हूँ, मैं पूरा दिया हुआ है ना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे नीचे जो है वो पावर बी आई का रिपोर्ट शो कोई लाइव, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, वेब व्यू है, इसलिए पावर बी आई की जरूरत नहीं है। अरे वर्क भी करेगा, फिल्टर भी लग रहा है, ठीक है सर, आपको मैंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर भी लग रहा है, समझे। जैसे मुझे पूजा का देखना है तो इस पर क्लिक किया तो पूरा रिपोर्ट पूजा के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया कि पूजा जो है सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही मोस्टली सेल किया हुआ है, इसका ये नॉर्थ ईस्ट का भी कैलकुलेशन 1 मिलियन के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि आपका इसका जो कमीशन में प्रॉफिट हुआ है वो आपका 4K के आसपास है, वो भी 3 सिटी में, सही है। तो ये आपको यहाँ से कोई भी देख सकता है। और दूसरा आपने से देखा होगा कि यहाँ पे आता है HTML फ्रेम, मैं इसको कॉपी करके अपने कोई वेबसाइट या ब्लॉग पे मैं इसको डाल देता हूँ, ब्लॉग है ना, इसी पे डाल देता हूँ, डाल दिया, डालने के बाद इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, अपडेट करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो दिख पा रहा आपको नीचे देखिए, ओ सॉरी ये तो पूरा दिख गया क्योंकि हमें यहाँ पे इसको HTML फॉर्मेट में लाना होगा, मुझे यहाँ पे राइट है ना, यहाँ पे कंपोज व्यू है, मैं यहाँ पे इसको HTML व्यू में ला रहा हूँ, और नीचे अपडेट करता हूँ, अब पब्लिश करता हूँ, दिख रहा है सर। और इसको यहाँ से जूम वगैरह भी मैं कर सकता हूँ, ये तो कमाल है सर, इसका फिल्टर नहीं लगेगा शायद, है ना, नहीं लगेगा, उसका हैंग हो रहा है, ये प्रीव्यू में है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ से बड़ा इस पर क्लिक करते बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके डेटा के साथ, ये जो डेटा के साथ अपडेटेड भी होता है, जैसे मान लीजिए मैं चार्ट भी दिख रहा है ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और ये जो चार्ट है मैं मान लीजिए इस चार्ट को यहाँ से रिमूव करके चार्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इसमें टेबल्स में, ठीक है, और मैट्रिक्स टेबल में जहाँ मुझे जोन वाइज टोटल दिखेगा, ठीक है सर। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ, सेव करके पब्लिश कर दिया, तो पब्लिश अब दोबारा करने पे तो लिंक चेंज नहीं होगा ना सर, नहीं नहीं चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज नहीं होगा, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, पब्लिश के लिए इसने बोल दिया तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो रिप्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको रिप्लेस वन रिपोर्ट, हाँ ये वन रिपोर्ट है, इसको रिप्लेस करना होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, सही बात करना ही चाह रहे हैं हम लोग, ये चीज नहीं है ना, ठीक है। अब मैं अपना इस पे आता हूँ, नहीं इस पे नहीं आ रहा है, चेंज हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चेंज हो जाता है, नहीं मुझे लग रहा है ना उसके बाद ये इन्होंने वो चेंज हो गया लिंक, थोड़ा सा दोबारा पब्लिश करने के बाद लिंक चेंज हो रहा है, नहीं सर हैं ऐसा कुछ नहीं था, अगर लिंक चेंज होता ना तो ये आपके यहाँ दिखता ही नहीं रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट आपका ये दिख रहा है ना, हाँ लिंक अगर चेंज होता तो दिखता सर, क्योंकि हमने ओवरराइट अगर मान लीजिए कर दिया, लिंक चेंज हो गया तो फिर रिपोर्ट कहाँ से दिख रहा है आपको? अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो गया ना सर। ये तो चेंज हो अब गया। मैं मान लीजिए अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश ऑन बैग, ठीक है, और हाँ इसको अभी भी वही आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं समझ गया। हाँ। अब क्या ये लाखों करोड़ों लाखों चल रहा होगा ना अभी इस पे, थोड़ा दिक्कत है, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश हो गया ना, वो भी रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ ऑनलाइन आ गया रिप्लेस, तो कुछ देर में ये भी रिप्लेस हो जाएगा सर, ये भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हो जाता है, मैं इसको ट्राई किया हुआ है। तो आप भी इस रिपोर्ट को बनाइए और ट्राई कीजिए सर, ठीक है। नहीं। नहीं।